मुल्तानी मिट्टी से भी अपने चेहरे पर ग्लो पा सकते हैं, एक चमक पा सकते हैं। अगर आप मुल्तानी मिट्टी इस तरीके से लगाएंगे तो आप अभी मेरा चेहरा देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है, कितना ग्लो कर रहा है। ऐसा ग्लो फेशियल आपको दोस्तों गोल्ड फेशियल या डायमंड फेशियल से भी नहीं मिलने वाला, जितना अच्छा ग्लो आपको इस मुल्तानी मिट्टी से मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी के इस्तेमाल से आप कैसे अपने चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं और कैसे चेहरे के ग्लो को, शाइन को बढ़ा सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए आपको चाहिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी चेहरे को टाइटनिंग करने में मदद करती है, कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने में मदद करती है, झुर्रियों को दूर करती है, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करती है। इसके अलावा आपको लेना है आधा नींबू और इसे पूरा ही अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। नींबू में सिट्रिक एसिड और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स को दूर करने में मदद करती है। इसे अच्छे से मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करने के बाद थोड़ा सा चला लेंगे एंड लास्ट में आपको यहाँ पे ऐड करना है एक चम्मच दही। दही में होता है ग्लाइकोलिक एसिड जो हमारी त्वचा को खूबसूरत बनाता है, हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करता है, चेहरे की कांति को बढ़ाता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन चेहरे की झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है एंड इसके बाद चेहरे पे इस्तेमाल करना है, यानी कि लगाना है। अगर आपको पैक बहुत ज़्यादा थिक लगता है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी दही की मात्रा को और बढ़ा सकते हैं और इसे अच्छे से एज अ पेस्ट के तौर पे रेडी कर लीजिए, ताकि हमें इसे चेहरे पे अप्लाई करने पे बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाए हमारा ये पैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से बढ़िया पैक रेडी हो गया है। तो अब हम इसे चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे। इस पैक को लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें, क्लीन कर लें। इसके बाद इस पैक को अपने पूरे चेहरे पे आपको अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। मुल्तानी मिट्टी आपके ऑयल को, एक्स्ट्रा ऑयल को रिड्यूस करती है, चेहरे को बहुत ज़्यादा टाइट, यूथफुल और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनाती है। ये आपके रिंकल्स को, आपके चेहरे में अगर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं या फिर स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है तो उसको भी ये टाइट कर देती है और लंबे समय तक ये टाइट बनाए रखती है आपकी स्किन को। ये आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी डार्कनेस या डलनेस को दूर करती है। इसे अच्छे से हम अपने चेहरे पे इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे और अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है लेमन, और लेमन जो कि हमने इसमें डाला था उसी लेमन के छिलके को उल्टा करके आपको इस लेमन से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से रब करना है, यानी कि मसाज करनी है। लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भरपूर होती है, तभी तो हमारी स्किन बिल्कुल निखर जाती है और गोरी हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी आप पार्लर जाते हैं और ब्लीच करवाते हैं तो एकदम से आपका फेस बिल्कुल वाइट हो जाता है और चेहरे की जितनी भी इम्प्योरिटी है या गंदगी है वो आपकी स्किन से निकल जाती है। तो बिल्कुल नींबू यही काम करता है, आपके चेहरे के अंदर जो भी गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, उनको बिल्कुल बाहर कर देता है। सो इसे आपको अच्छे से इस तरीके से लगाना है और चारों तरफ अच्छे से इस तरीके से रब करना है। ये पैक बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये आपके चेहरे की झाइयों को भी दूर करेगा और झुर्रियों की समस्या को भी दूर करेगा। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट रब करने के बाद आपको जो बचा हुआ पैक है उसकी अगेन से एक और लेयर अपने चेहरे पे लगा लेनी है, इस तरीके से जैसे बिल्कुल मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सो गाइस, 2 मिनट हो जाने के बाद आपको इसे निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है स्पून
और आप चाहें तो डायरेक्ट इसे वॉश कर सकते हैं, बट एज अ रिज़ल्ट मैं आपको शो करना चाहती हूँ। तो देखिए जैसे जैसे परत निकलेगी, इसकी लेयर निकलेगी, वैसे वैसे अंदर की स्किन भी आपको दिख रही होगी। कितना ज़्यादा आपको चेहरा मेरा यहाँ पे ग्लो दिख रहा है और कितना वाइट हो गया है। पूरे अच्छे से इसे आपको यहाँ पे निकाल के एंड अपने चेहरे को वॉश कर लेना है बिल्कुल। सो आप देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा ग्लो हो कर रहा है मेरा चेहरा, कितना वाइट हो गया है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे एंड इसके बाद वॉश कर लेंगे अपने पूरे फेस को। नॉर्मल ठंडे पानी से आपको यहाँ पे वॉश कर लेना है अपने चेहरे को। सो गाइस आप देख सकते हैं चेहरा कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है बिल्कुल, और नेक एरिया बिल्कुल डाउन है। तो अब क्या करना है, आपको चेहरे पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है ताकि हमारे चेहरे का पीएच बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे और हमारी स्किन जो है वो ड्राई ना हो। जो अंदरूनी नेचुरल जो अंदर से स्किन में हमारे ऑयल होता है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो। तो हल्का सा एक मॉइस्चराइज़र ले करके इसे अच्छे से अपने चेहरे पर रब कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। और इसे अप्लाई करने के बाद तो वाओ, और बहुत ही अच्छा फेस एकदम ग्लो कर रहा है, चमक बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही रिज़ल्ट है, चेहरा कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। सो देखा गाइस आप सभी ने मेरे चेहरे पे कितना ज़्यादा ग्लो आ गया था, कितना शाइन कर रहा था मेरा चेहरा। सो आपको इस पैक को हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है, आपके चेहरे पे गज़ब का निखार और ग्लो भी आएगा और आपके चेहरे के दाग धब्बों की समस्या भी दूर हो जाएगी। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर से मिलते हैं गाइस एक और न्यू हेल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।